सो हेलो डिफेंस लवर, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं CISF फायरमैन का डिटेल के कट ऑफ का एनालिसिस पे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो भी दोस्तों एनालाइज किया हूँ मैंने, एक्सपेक्टेड किया है सब कुछ, ठीक है। पर ये जो आंकड़ा है ये एकदम परफेक्ट है, ये इतना ही आंकड़ा होगा। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन दोस्तों इसमें आपको नहीं था, लगभग जो है 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। मेरे हिसाब से दोस्तों इतने कैंडिडेट के आसपास में लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। अब आप देखिए, पहली चीज़ तो फैक्टर्स देखते हैं हम लोग, फैक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी ऑफिशियली दोस्तों चीज़ मैंने निकाली है, कोई मैंने अपने मन से यहाँ पर नहीं बनाया है, ठीक है। 52 सिटीज़ यहाँ पर शेड्यूल हुई है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। बात करते हैं, ये मैंने सेकंड पॉइंट का लिखा है कि एवरेज 4 मिनिमम एग्ज़ाम सेंटर्स इन एवरी सिटी। देखिए, बहुत सारे सिटीज़ में एक एग्ज़ाम सेंटर है और कई सिटीज़ में 2, 3, 4 मैक्सिमम है। सॉरी, मिनिमम के बदले मुझे मैक्सिमम करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये मिनिमम के बदले मुझे यहाँ पे मैक्सिमम करना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। मैक्सिमम पकड़ लीजिए आप लोग, थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम्स जो है आप लोग के 3 शिफ्टों में हुई है, खाली 3 शिफ्टों में। एक ही दिन आप लोग की एग्ज़ाम हुई थी 26 को, और 3 शिफ्ट में आप लोग की हुई है। दोस्तों आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को जो है मान लीजिए आप लोग अगर 27 को वीडियो देखो तो आप लोग की एग्ज़ाम कल ही हो चुकी है। तो मैंने दोस्तों ये वीडियो अभी रात को बना रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखिए, उसके बाद देखिए 52 जो है यहाँ पे, ठीक है, 52 जो आप लोग का है यहाँ पे, ये 52 है आप लोग का फैक्टर नंबर 1 से मैंने दोस्तों यहाँ पे लिया है आपको। मैंने यहाँ पे देखिए, आप बोलेंगे आप सर ज्योमेट्री पढ़ा रहे हो क्या आप, है ना, तो कुछ ऐसे समझ लीजिए आपकी 52 जो मैंने फैक्टर्स 1 से लिया है। 4 यहाँ पे मैंने एवरेज मिनिमम सेंटर्स लिए हर एग्जाम सिटी के, और यहाँ पे मैंने 3 शिफ्ट लिया दोस्तों। ये 4 जो है मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, कहीं कहीं सिटी जैसे मुंबई में मान लीजिए एक ही है आप लोग की आईओएन डिजिटल जोन, ठीक है। तो वहाँ पे लमसम जो है 200 से 250 सिटिंग होती है एक बार में, मतलब SCISF के उतने थे, बाकी तो SSC के तो भाई वो 300-400 भी ले लेते एक बार में, है ना। तो ये हो गया। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंक कि एवरेज सिटिंग जो थी आप लोग की, मैं इसको 200 पकड़ रहा हूँ, हालांकि 200 भी नहीं है किसी किसी सेंटर पे, 150, 140, 130, 200 मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, है ना। मैंने दोस्तों यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पकड़ा, यहाँ पे मैंने आपको एक्स्ट्रा पकड़ लिया है, ठीक है। तो 624 दोस्तों आप लोग का यहाँ पे आया था टोटल, इंटू 200, एक सिटिंग में 200 बच्चे बैठ रहे हैं। तो 52 सिटीज़ में 4 एग्ज़ाम सेंटर पकड़ रहे हैं एक सेंटर में, एक सिटी पे, और उसके बाद 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 624 टोटल बार बच्चे बैठे होंगे, और 624 एक बार पर 200 बच्चे बैठ रहे हैं। तो इतने बच्चे मेरे हिसाब से लमसम 124,800 के लमसम बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम दिए, मतलब एग्ज़ाम उनका जो है कंडक्ट हुआ। अब इसमें अटेंडेंस की रेशियो लगभग सभी लोग ने दिया है एग्ज़ाम, ठीक है। बहुत कम ही अटेंडेंस की रेशियो यहाँ पे फेल हुई रहेगी, क्योंकि दोस्तों सब बच्चे फिजिकल निकालने के बाद वहाँ पे गए हैं। तो कोई शायद ही कोई अगर कोई पर्सनल इशू से या फिर कोई अगर SSC GD के थ्रू ज्वाइन वगैरह कर लिया है तो वही लोग बस यहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं गए होंगे CISF फायरमैन का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये 1.25 लाख को छोड़िए, अगर मान लीजिए कोई फैक्टर्स यहाँ पे गलत है तो मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई फैक्टर्स यहाँ पे गलत नहीं है तो हम लोग इसको 1.5 लाख पकड़ लेते हैं राउंड फिगर, ठीक है। हम लोग इसको 1.5 लाख 1.5 लाख जो है बच्चों ने खाली एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। पोस्ट है 1149, पोस्ट है आप लोग का 1149। देखिए आपको मैं डीमोटिवेट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कट ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। कंपटीशन जो है मान लीजिए हम इसको 1000 पकड़ रहे हैं, ठीक है, बच्चों को, या फिर चलिए इसको हम 1500 पकड़ लेते हैं, ठीक है। 1149 से 1200 के लमसम 1150 के बच्चे हैं, तो 1500 पकड़ रहे हैं अगर हम लोग फिर भी, तो भी जो है लमसम लगभग यहाँ पे मान लीजिए अगर आप लोग को, तो मैं बता दूँ आप लोग को यहाँ पे इसका जो है 1500 का दोस्तों यहाँ पे आप लोग को 100 गुना, ठीक है। यानी कि एक सीट के लिए यहाँ पे लगभग 100 बच्चों की मारामारी है, ठीक है, 100 बच्चों की यहाँ पे मारामारी है। अब देखिए सबसे ज़्यादा मारामारी कहाँ है, यूपी कट ऑफ, यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, 4-5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ के लिए मारामारी होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैं मिनिमम की बात करूँगा वीडियो के एंड में। मैक्सिमम देखिए मैं बोल दूँ, पेपर की लेवल जो थी बिल्कुल भी हार्ड नहीं थी। तो मैं आपको एक अगर बोलता हूँ एवरेज, तो देखिए यार 80 से कम अगर बात करें ना फाइनल कट ऑफ, तो ये नाइंसाफ़ी लगेगी मुझे, ठीक है।
आप लोगों को मैं डीमोटिवेट फिर से नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ, इसमें ना तो आपकी टाइपिंग होगी ना कुछ होगी, तो आप जो आपको टेंशन लेना तैयारी करना है कि भैया आपने बोला था तैयारी में नहीं कर रहा हूँ, अब जो होना था वो हो गया, आपने एग्ज़ाम दे दिया है, रिजल्ट लग गया तो बढ़िया है, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, आप लोग अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है। तो 75 से 80 अगर कोई, देखिए मैं तो भाई 75 मेरे को बोलने का मन नहीं है, बट उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो थोड़ी आस कर रहे हैं, जिनकी थर्ड शिफ्ट थी थोड़ी सी, पेपर लेवल थोड़ा सा बढ़ा था थर्ड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट की पेपर थोड़ी सी इजी थी, सुनने में ये आ रहा है, ठीक है। तो बात ये है, बात करते जीएस की, दोस्तों जीएस काफ़ी ज़्यादा टफ था, मैथ्स और रीजनिंग ईजी थी, जीएस थोड़ा टफ था, ठीक है। तो जीएस को हम लोग 25 क्वेश्चन अगर निकाल भी दे रहे हैं पूरा बाहर, तो भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई 75 तो कम से कम आपको आना चाहिए भाई, यूपी जैसे राज्य से आपको पास होने के लिए, ठीक है। 75 to 80 आपको कम से कम चाहिए, बुरा मत मानिएगा, जो भी है आपको मैं क्लियर कट बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर कोई अन्य राज्यों की, ठीक है, अन्य राज्यों का इंसेंस आप लोगों को बोल दूं कि अन्य राज्य यानी कि सेकंड पार्टी, सेकंड टाइप में, जैसे मान लीजिए एमपी हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं, उसमें महाराष्ट्र भी आप ले लीजिए, तो इस स्टेट्स में आपको बोल दूँ कि 65 to 70 अगर आप लोग हैं ना, तो आप लोग का मतलब ये है कि हाँ भाई आप लोग की, मैं ये ओपन की बात कर रहा हूँ, दो दो मार्क्स आप लोग, एक एक मार्क्स, तीन तीन मार्क्स, चार चार मार्क्स आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से SC ST 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 जो भी आप लोग की AWS होती है, ठीक है, उसके लिए आप लोग कर लीजिए। क्योंकि देखिए हम भी ओपन से दिए हैं, जो भी तैयारी करते थे तब से ओपन ही दिए हैं, हम ओपन को ही समझते हैं, SC ST कोई कंपटीशन का हम नहीं मानते हैं, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा AWS SC ST। बट हम लोग अगर बात करता हूँ डिटेल में, तो एक ओपन में बता रहा हूँ अनरिजर्व के लिए, कि आप लोग अगर 65 to 70 हैं, तो बात करते हैं ऐसे स्टेट्स की जैसे मेघालय, मिजोरम, शिलोंग, मिजोरम हो गया अपना, अगरतला का कौन सा है, हाँ ये नागालैंड हो गया, ठीक है, ये सारे जो स्टेट्स हैं ना, इसमें दोस्तों मैं आपको बोलूँ अगर सीरियसली, तो भाई अगर आप लोग 55 से 50 करके, मतलब 50 से 55 आप लोग करके आए अगर वहाँ पे, ठीक है, इसमें गुजरात को ऐड कर लीजिए, गुजरात को 60+ पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे सब अगर आपकी स्टेट्स है, तो यार फिर आप लोग का बिल्कुल यार आप लोग का नसीब है कि आप लोग ने फिजिकल पास की, एग्ज़ाम देने को मौका मिला आप लोग को, और नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। तो बच्चे जो है एकदम तुक्का मार के आते हैं, तो जय श्री राम बोल के तुक्का मारते हैं, और तुक्का मारने पे जो है इनका सही हो जाता है, ठीक है, कई बार। तो ये चीज़ें थी, एलिमिनेशन में करके बच्चे निकालते हैं, तो मैंने आपको बोल दी, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कट ऑफ आप लोग को, कि 75 to 80 मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ, ठीक है। इसके भाई 80 तो मैं देखिए सीधा 80 करता हूँ, मेरे को मतलब नहीं है, मैं 80 से 80 करता हूँ, ठीक है। हाईएस्ट कट ऑफ मतलब कि जो हाईएस्ट जोन है उनकी 80 रहेगी, थोड़ी सी जो लोअर जोन है उसमें 70 रहेगी, और थोड़ी सी जो कम है 60 होगी। ये दोस्तों एक मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, और देख लीजिए कट ऑफ दोस्तों इतनी ही रहेगी, इसके मतलब ना नीचे, इसके तो नीचे तो भाई चांस बहुत कम है, पेपर हलवा आया था एकदम, है ना। तो ये कट ऑफ की दोस्तों लिस्ट थी, अगर आप लोग को बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे कि 50, 60, 70, 40, 30, 35 में हो जाएगा, तो भाई बस वो आपके भावनाओं के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप लोग अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो भी कोई बात नहीं है, कुछ अगर ये सब देखने के बाद भी अगर कुछ आपके मन में डाउट रहता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों का ये जो प्यार दे रहे हैं, आप लोग इतना जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा बढ़ा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग के लिए इसी तरह अच्छा अच्छा काम करते रहूँगा मैं, ठीक है। आगे का जो भी अपडेट्स चाहिए आप लोग को, कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पल पल की अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ली है, ठीक है। ये वाली जो मैंने नोटिस है, ये मैं आपको भेज दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर भी, आप लोग वहाँ से जुड़ के इसको पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आंसर की बात करें, तो आंसर की दोस्तों आप लोग की 72 घंटे के पहले आ जाएगी, यानी कि 3 दिन के पहले आप लोग की आ जाएगी। अगर हम लोग बात करते हैं 3 दिन की, तो 27 से आप लोग काउंट करिए, 27, 20, 29 लास्ट 29 से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी, उसके पहले ही आएगी, जैसे आंसर रखिए आप लोग की आएगी, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।